को बड़ी कामयाबी मिली है, एक अंतर्राज्यीय तस्कर का गिरोह गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ है, क्या है पूरा मामला सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? विगत काफी दिनों से गाजीपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और इनके उपयोग पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हमारी जो स्वैट सर्विलेंस टीम है वो लगातार इस पर काम कर रही है। गोपनीय रूप से भी हम लोग की टीम जो है सूचना एकत्रित कर रही है। कल भी ये सूचना इंस्पेक्टर मोहम्मदाबाद और इनके पास थी मुखबिर के माध्यम से, और चेकिंग चल रही थी थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र में अहरौली गांव के आसपास। सूचना ये थी कि बिहार की तरफ से कुछ गाड़ियों में गांजा आने का संभावना है। इसी पे जब इन गाड़ियों को चेक किया गया तो दो गाड़ियां वहां पे पकड़ी गईं, जिनकी सीट में पीछे की सीट को तोड़ के उसके नीचे इन लोगों ने गांजा भर रखा था। इनके पास से करीब 39 किलो 500 ग्राम गांजा प्राप्त हुआ है। दो गाड़ियां, एक निशान और एक पीड, इनसे बरामद हुई है और चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अभियुक्त जो है विपिन कुमार सिंह, बहुत ही शातिर किस्म का है, पूर्व में भी ये मादक पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुका है। इसके अन्य दो साथी भी, एक इनके साथ नया रिक्रूटमेंट है, यद्यपि वो पिछले जो इंटरोगेशन में बताया है 2-3 बार माल ला चुका है अन्य राज्यों से, लेकिन पकड़ में पहली बार आया है। इनको इनके खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा अभियोग पंजीकृत किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। ये गैंग किस तरह का है सर, अंतर्राज्यीय है? अंतर्राज्यीय है, ये लोग बाहर से लाते हैं यहाँ पे कहीं एक जगह से, फिर ये लोकल मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि इनका नेक्सस बड़ा मजबूत है, उसे तोड़ने के लिए पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आसपास के जनपदों में भी इनके लिंक मिले हैं जिस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और ये इसमें लगातार कार्रवाई चलती रहेगी और आगे भी जो सूचना प्राप्त होती रहेंगी। इस गैंग के कुछ और सदस्य रह गए, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। बरामद गांजा के मूल्य कुल कितना बाजार जानकारी है? लगभग 4-4.5 लाख के करीब है, जो मार्केट में गांजे का इस समय रेट चल रहा है 10,000 का बताया गया है, जो जानकारी की गई है।